कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी बातचीत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे भगवान का रिश्ता भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो हनुमान चालीसा भी नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि आज रामनवमी हो, ईद हो या बकरीद, सड़क पर ना तो नमाज होती है और ना ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों से माइक हटाने का फैसला किया। इसके बाद सभी धार्मिक स्थलों से खुद ही माइक हटा दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल एक हफ्ते के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धार्मिक स्थलों से उतारे गए। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी बात का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय, एक दहशत लेकर के आते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। इस परसेप्शन को बदलने में सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस की रही है। प्रदेश में आज कानून का राज है। पिछले 6 साल में प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं। संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई है। ये सब यूपी पुलिस के बदले स्वरूप को दर्शाता है। को पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है और सामूहिक रूप से। वहीं उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को कहा कि आज भर्ती प्रक्रिया में कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को ही आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि 3 गुना ट्रेनिंग क्षमता को भी आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले जहां प्रदेश में साइबर थाने केवल 2 थे, आज हर रेंज में एक साइबर थाना है। और 2017 में मेरे सामने चैलेंज था, पुलिस भर्ती करनी है, कैसे होगा। मैंने उस समय भी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी को बुलाया था, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पुलिस की भर्ती कैसे आगे बढ़ सकती है, उस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान ये सारी कार्रवाई बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। आज पुलिस भर्ती में या उत्तर प्रदेश में जब तक हम 5.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की, सरकारी कार्मिकों की भर्ती हम लोगों ने की है या उनको सरकारी नौकरी दी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये 5.5 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम लोग दे चुके हैं, इनमें एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए शुरू हुआ मिशन शक्ति कार्यक्रम आज पूरे देश में लागू हुआ। बता दें कि योगी सरकार ने गुरुवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 पदों पर उप निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर सामान्य नागरिक, व्यापारियों और महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव है। ऐसे में इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए पुलिस फोर्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जोनल स्तर पर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा चुकी है।